Hello students, today I am going to start with the English subject. First poem, Rain in the Night. About this poem, today I am going to explain you. Rain in the Night, paragraph wise we'll go to explain the poem, then it will be easy for you to understand. First passage, first para, first stanza. Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. Raining all night long means जो बारिश हो रही है वो पूरी रात बारिश हो रही है. Sometimes loud, sometimes soft, कभी बहुत जोर से कभी बहुत धीरे. Just like a song, एक गाने की तरह, right? First stanza में लिखा है कि जो बारिश जो है पूरी रात हो रही है, कभी धीरे से हो रही है कभी जोर से हो रही है, गीत की तरह गाने की तरह हो रही है, ठीक है, समझ गया है? सेकेंड पैराग्राफ, देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट. देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे गटर्स थे वो एक नदी की तरह हो गए हैं. एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, और जो पूरा रास्ता है, स्ट्रीट मतलब होता है रास्ता, रोड, जो पूरा रोड है वो तालाब हो गए, नदी हो गई है. इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश इज लिटिल डर्टी फीट. इट विल मेक आवर लेजी किटी, लेजी किटी मतलब होते हैं जो छोटे जानवर होते हैं, बिल्ली, कुत्ते, जो छोटे जानवर होते हैं, यहाँ पे छोटे जानवर को किटी नाम दिया है. वॉश इज लिटिल डर्टी फीट, उन लोग क्या करते हैं, अपने पैरों को उसमें साफ कर लेते हैं, उनका जो गंदा पैर होता है उसमें साफ हो जाता है, समझ गया? तो वही लिखा है, देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, गटर्स पूरा रिवर हो गया. एंड लैक्स अलोंग द स्ट्रीट, और पूरा जो रास्ता है वो तालाब हो गया, नदी बन गई है. इट विल मेक आवर लेजी किटी, लेजी किटी मतलब जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, कैट हो गया, ये सब. वॉश इज लिटिल डर्टी फीट, उन लोग अपने पैर साफ कर ले रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, बट द पैनिसियज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो सॉल्ट. रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, अभी जो रोजेज होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनके ऊपर पानी का ड्रॉप जम जाता है, ऐसा लगता है कि वो डायमंड की तरह चमकता है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने डायमंड पहना हुआ है, राजा और रानी की तरह. बट द पैनिसियज, पैनिसियज मतलब क्या होता है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, छोटे से फ्लावर्स जो रोड के किनारे रहते हैं, ऑल गेट मर्डी, उसमें कीचड़ लग गए. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बिकॉज दे आर वेरी सॉर्ट, समझ गए? तो रोजेज विल वेयर डायमंड्स, रोजेज के ऊपर जो पानी का ड्रॉप होता है वो डायमंड की तरह लगता है, लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, जो राजा में, जो दरबार में राजा रानी रहते हैं उसकी तरह. बट पैनिसेज ऑल गेट मर्डी, पैनिसेज मतलब छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम कीचड़ की तरह हो गए, बिकॉज दे आर सो सॉर्ट, क्योंकि बहुत छोटे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा, आई विल सेल माय बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, बट फर्स्ट आई विल टेक माय वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पैनिसेज फेसेस. आई विल सेल माय बोट टुमारो, मतलब मैं कल नाव सेल करूँगा, चलाऊँगा, इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, नई जगह पर. बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट, लेकिन सबसे पहले मैं अपना वाटरिंग पॉट लूँगा, जैसे मैं पानी प्लांट्स में डालता हूँ, वॉश द पैनिसेज फेसेस, जो छोटे प्लांट्स हैं, जो छोटे फ्लावर्स हैं, उनके फेस को धोऊंगा. इज दिस क्लियर? आई विल सेल माई बोट टुमारो, मैं कल एक नाव चलाऊंगा, इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, नई जगह पर. बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट, सबसे पहला मैं वाटरिंग पॉट लूँगा, जैसे लड़की ने वाटरिंग पॉट ली है. एंड वॉश द पेंसिस फेसेस, पेंसिस के फेस को वॉश करूँगा. इज दिस क्लियर? समझ गया? तो लास्ट सेंटेंस में लिखा है, आई वॉश द पेंसिस फेसेस, मतलब पेंसिस के फेसेस को वॉश करूँगा. अब यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग दी है. सबसे पहला है गटर्स, गटर्स का मतलब होता है चैनल्स एट द ईज ऑफ स्ट्रीट, दे कैरी ऑफ वाटर, मतलब छोटे छोटे जो गटर होते हैं जिससे गंदा पानी बहता है. पेंसिस मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स और देयर फ्लावर्स. इज दिस क्लियर? दो वर्ड मीनिंग तुमको याद करना है. एक्सरसाइज दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग. पहले क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात बारिश हो रही थी. सेकेंड, वॉट इफेक्ट विल बी द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, बारिश का नीचे दिए हुए पर क्या प्रभाव पड़ता है, किट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट है, रोजेस के ऊपर क्या इफेक्ट है, पेंसिल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है. अभी किट्टी क्या थी, अपने गंदे पैर धो देती थी, रोजेस के ऊपर
डायमंड्स आ गए थे, पेंसिल्स क्या करते थे मडी हो गए थे। तो उन तीनों के आंसर देखो मैंने नीचे लिखे हुए। किटी इज वॉशिंग हिज लिटिल डर्टी फिट, किटी इज, तो किटी इज वॉशिंग हिज लिटिल डर्टी फिट, किटी अपने छोटे पैरों को धो रही थी। रोजेस क्या, रोजेस विल वेयर डायमंड रिंग्स, रोजेस को क्या हो गया, डायमंड रिंग्स आ गए हैं, राइट। पेंसिल्स, पेंसिल्स गेट मडी, पेंसिल्स क्या हो गए, मडी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द, वॉट इज द चाइल्ड इज प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे बच्चे का प्लानिंग क्या था, वो सेल करेगा बोट नेक्स्ट डे में। चाइल्ड इज प्लानिंग टू सेल बोट नेक्स्ट डे इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। चाइल्ड क्या करेगा, प्लानिंग करेगा बोट को सेल करने के नेक्स्ट डे वंडरफुल प्लेसेस में। इज दिस क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियोज पूरा क्लियर समझ में आ गया रहेगा। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स रहेगा तो समझ सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।